जय गुरु जी। शक्ल से तो अच्छा ही लग रही है, साथ में बिस्किट। ये लो डैडी। सागर ने नंबर प्लेटें ले ली हैं और सागर ने यहाँ पे बाइकों की बात कर रहा था और बस सागर कह रहा है इसने भी लेनी है बट इसको क्लासिक पसंद नहीं आई है ना। अब इसके अंदर इंजन ऑयल डलेगा, चैन वगैरह क्लीन होएगी, हैंडल थोड़ा खोल रहा हूँ। अब वॉशिंग के लिए लग चुकी है, पहले इस साइड की हुई है वॉशिंग, अब इस साइड की होएगी, जो भी इनका लिक्विड इन्होंने बना रखा होता है। अब अर्पिता मेरे साथ चल रही है हेलमेट लेने, आ जा भाई चले लेके आते हैं हेलमेट। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित मगो ब्लॉग्स विद अनदर ब्लॉग। तो गाइज अभी सुबह के 8:30 बज चुकी है और अभी का सीन कुछ ऐसा है गाइज कि मैं रात को डैडी पास सोया था, जैसा कि आप सबको पता ही है डैडी भी अंदर जाग चुके हैं। आपको डैडी से भी मिलवाता हूँ गाइज। हाँ डैडी कह रहे मेरी फोटो दिखा दे, दिखा रहा हूँ। डैडी लेटे हुए गाइज पीछे, उठ गया चलो ठीक है। तो अभी आ रही है ना, जब भी कैमरा स्टार्ट करता मेरे को दिखा दे। तो गाइज इनको दिखा दिया, इधर फाइल रेंडर हो रही है और बस अभी ना दूध ख़त्म हो गया डैडी के घर, तो बाहर दुकान से दूध ले आते हैं गाइज जाके पहले, और फिर डैडी को चाय पिलाएंगे, फिर मैं घर चला जाऊंगा, फिर वही सेम रूटीन, बुआ आ जाएंगी या पापा आ जाएंगे और आज एक दो काम और भी हैं वो आपको घर पहुँच के बताऊँगा। फिलहाल अभी दूध लेकर आते हैं चलो। तो गाइज अंकल से मंगा लिया और ये बड़ा दूध नीचे, क्या कह रहे हो? दूध लिखवा के तो आ गए, हम लेके आए। चलो कोई नहीं, अभी तो ये दो, अब जाऊंगा दोबारा उसके पास। दो बिस्किट भी डाल दिया इसके अंदर। चलो तो गाइस दूध मिल चुका। अंकल ना अभी जो थैली एक आती और चाहिए थी हमको, वो तो कहते मैं लिखवा आया हूँ, अभी जो पड़ी है ना ये ले जाओ, बाद में वो ले लेना, अभी उठा के लाना है वहाँ से। मगर चलो ठीक है, बाद में ले लेंगे। गली के बाहर ही तो है दुकान। अब जल्दी से डैडी को चाय बना के देते हैं पहले, फिर घर जाके व्लॉग अपलोड करते हैं। तो गाइज अब मैं काफ़ी दिनों बाद चाय बना रहा हूँ डैडी के लिए। अगर मेरे को चाय ऐसे बनानी आती नहीं है, अगर बनाता हूँ ना तो कभी स्वाद बन जाएगी और कभी नहीं तो पत्ती ज़्यादा हो जाएगी, कभी चीनी ज़्यादा हो जाएगी, और नहीं तो बिल्कुल एक बारी में इतनी स्वाद बनेगी। बट अब पता नहीं कैसी बनेगी डैडी के लिए। चीनी का तो चलो कोई रोल नहीं है क्योंकि डैडी में डाल के ही नहीं देनी। अब पत्ती का मुझे पता नहीं कितनी डालनी थी, बाकी फिर भी मैंने अपनी तरफ से बना दिया है। तो अब इनको जल्दी से डाल के दे देते हैं। और इनके बिस्किट कहाँ हैं? ये रहे इनके, ये वाले बिस्किट हैं शुगर फ्री, वो इनको दे देंगे साथ में। तो गाइस डैडी की चाय बना तो दिया है, शक्ल से तो अच्छा ही लग रही है, साथ में बिस्किट। ये लो डैडी। तो गाइस पीछे डैडी चाय पी रहे हैं आराम से और मैं जा रहा हूँ घर पे, पापा या बुआ आ जाएंगे अभी। तो ठीक है डैडी बाय। ठीक है आ जाएंगे वो भी, सारे आ जाएंगे। ठीक है बाय बाय। तो गाइस अभी नहा के फ्रेश वगैरह होके रेडी हो चुका हूँ, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और पापा डैडी घर चले गए थे, इधर मम्मा आराम से बैठ के व्लॉग देख रहे हैं। और बस मैं भी गाइस, मैं एक काम जो जाना था ना मेरे को, वो काम ये था गाइस, बुलेट की ना सर्विस करा के आनी है। कंपनी वालों ने कहा था विद इन 45 days के अंदर करा लेना या 500 किलोमीटर पे, तो ये नियर अबाउट 500 किलोमीटर भी चली गई है और 45 days भी इसके हो ही गए हैं, मतलब मंडे को हो जाएंगे। तो मैं आज थर्सडे को ही कराने जा रहा हूँ। तो सागर भी मतलब पापा तो वहाँ चले गए, तो मैंने कहा मैं अकेला क्या करूँगा जाके, मैं सागर को साथ ले चलता हूँ। तो सागर बाहर वेट कर रहा है, तो जल्दी से चलते हैं। ठीक है मम्मा कराता हूँ सर्विस। ठीक है बेटा बाय। हेलो तो गाइस, अरे रुक जा। तो गाइस सागर आ चुका है। आगे भाई आगे आगे, अब चले सागर जल्दी से। चलो तो गाइस जो सर्विस कराने जा ही रहा था मैं, एक बार शोरूम पे आ गया क्योंकि मैंने शोरूम में कॉल करके पूछा था कि RC कब आएगी, तो कह रहे हैं RC भी आ चुकी है। मैं कहा साथ साथ RC भी ले चलते हैं, वहाँ लगवा लेंगे अगर लगती होगी तो। तो कहाँ पे हैं RC वाले? RC लेके मिलता हूँ गाइज आपसे। तो गाइज RC तो ये रही, अभी नंबर प्लेट लेने गए हैं भैया। इतने ना सागर यहाँ पे आके बुलेट देखने लग गया, जो क्लासिक 350 आने लग गया है। सागर कैसी लग रही है? अच्छी बताइए, स्टैंडर्ड ही बढ़िया ना अपने पे भाई, जो चाह करा है भाई है क्या? नहीं लाइट तार लेना लाइट सागर की बात सुन रहे गाइज, कह रहे लाइट तार लेना है, इतने आगे बिठा लेंगे
रूबी ना उतार के देख ले, देख लिए तारेगा, रहने दे भाई रहने दे। तो गाइस सागर ने नंबर प्लेटें ले ली हैं और सागर ने यहाँ पे बाइकों की बात कर रहा था और बस सागर कह रहा है इसने भी लेनी है बट इसको क्लासिक पसंद नहीं आई है ना, स्टैंडर्ड ही पसंद है ना अपनी। ठीक है तो गाइस हम सर्विस सेंटर पहुँच चुके हैं और मेरी बुलेट को अंदर ले जा रहे हैं और जो भी पेपर वर्क था ना पहले ये स्लिप मिल गई हमें गाइस, पैसे लग गए 1100 रुपये सर्विस के, बस सर्विस के। बुलेट को लेके अंदर लास्ट में वो ले गए भैया सामने, दिख रहे होंगे आप, सागर भी खड़ा ही है, हम भी चलते हैं अंदर। तो गाइस अभी हम बाहर आ चुके हैं अंदर से, बाहर इसलिए आए गाइस इन्होंने तो 2 घंटे बता दिए और हमको, हमने बुकिंग करा, मैंने कल शाम को फ़ोन कर दिया था कि मेरी आज की बुकिंग कर देना और फर्स्ट नंबर लगा देना, इन्होंने फिर भी मेरा 9 नंबर लगाया, देख रहे हो इनको। बुकिंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो आगे से बुकिंग कराऊंगा नहीं, डायरेक्ट यहीं पे बाइक लेके आ जाऊंगा, तभी भी सर्विस करानी होगी। फिलहाल सागर भी इस समय परेशान हो चुका है, 2 घंटे भाई साहब को कह दिए, मैं तो 1 घंटा कह के आया था इसको, कह रहा भाई 2 घंटे, अभी गाइस 11 बज चुकी है, 1 बजे कह रहे हैं देंगे, तो अभी हम यहीं पर, मैं वही सोच के परेशान हो रहा हूँ कि 1 बजे तक करूँगा क्या, बट फिलहाल अभी देखते हैं। बाइक का अभी तो नंबर भी नहीं लगा मेरी, वहीं पर ऐसे ही खड़ी कर दी इन्होंने ले जाके, देखते हैं क्या करेंगे। देखो गाइस इतने बड़े ट्राले पे एक बुलेट आई है सिर्फ, उतरेगी देखो कैसे, अभी इन्होंने सारा खोला है, मैं तो देखता ही रहेगा, देख रहे हो ये नीचे आ गए भाई। चलो अभी अभी अंदर सर्विस होने गई और ये वापस पैक हो गया, देखो देख रहे हो वापस पैक हो गया ये, जैसे जैसे भाई ने खोला था वैसे वैसे पैक भी कर दिया उल्टा गया। चलो बंद हो गया अभी, देख रहे हो। तो अभी गाइस भाई हुआ, मैंने ना वैसे एक बार कॉल कर लिया जिनका कल मेरे पास सर्विस वाला को कॉल आया था कि मैम मेरे को सर्विस की बुकिंग कराई है तो उसका कोई फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तो मैंने यहाँ पे आके कहा ना मैंने सर्विस करा रखी है, यूँ बोलते कोई फ़ायदा नहीं है सर बुकिंग कराने का। तो मैंने एक बार इनके मैनेजर से बात कर ली वैसे, मैं कहा सर यूँ कहा गया है, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा तो नहीं होता, बुकिंग का फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो मैं कहा सर ये फ़ायदा दिख रहा है मेरे को कि 3 घंटे की वेटिंग, मतलब 2 घंटे तो इन्होंने कह दिए और अभी पता नहीं कितने बज जाएंगे, 1 बजे तक इन्होंने अपनी तरफ से कहा है, बाकी कह रहे हैं ऊपर ही लग सकते हैं। तो मैंने बात करी उनसे तो वो कहते हैं कि ना ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कराते हैं सर, तो बस ये कहते हैं साथ ही वो बाइक कटवा दी उन्होंने वहाँ से, नहीं तो अभी कहते कि अभी आपकी बाइक में टाइम लगेगा कुछ नहीं, ये सारा उल्टे हिसाब से चलते हैं ना जब गुस्सा उठता है। तो मैंने जाके वैसे ही बात करी तो उन्होंने उसी टाइम बाइक कटवा के बस वहाँ से सर्विस के लिए स्टार्ट करवा दिया, अब सर्विस हो रही है अंदर, देखते हैं वीडियो बना देते हैं। तो गाइस अब बात हो चुकी है, वो भाई से भी बात हो गई, वो भाई कहता है यार तू मेरे को कह देता ना आके, कहता मैंने आपकी वैसे कह दी थी कि भाई की है अपना जल्दी से कर दो, बट मैंने तो ऐसे क्लियर कहा उनसे मैम से कि मैम आपने मेरे को कहा था कि 1.5 घंटा लगेगा बट अब 2 घंटे लगेंगे, तो मैंने सब भाई से बात करी, वो कहता कि कोई नहीं आपके अभी करा देता हूँ। तो बाइक यहाँ लग चुकी है और ये सर्विस आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अभी ना गाइस इसका इंजन ऑयल निकाल दिया गाइस इसका, अभी फिलहाल देख सकते हो आप, अभी इसके अंदर इंजन ऑयल डलेगा, चैन वगैरह क्लीन होएगी, हैंडल थोड़ा सोच रहा हूँ नीचे करा दूँ क्योंकि बुलेट का ना देखो सारी बुलेटों का नीचे होता है, ये आपको टंकी से गैप दिख जाएगा और इसका टंकी से गैप देखो कितना है, थोड़ी सी नीचे करा दूँगा इसका हैंडल। तो गाइस इधर बाइक के लिए इंजन ऑयल आ गया, आप देख सकते हैं वो पुराने वाला हो रहा नीचे और नए वाला ये रहा इसमें, अब भाई डाल देगा। तो गाइस इंजन ऑयल तो डल गया उसके अंदर, बाकी ना ये मना कर रहे हैं कि आप वीडियो वगैरह मत बनाओ, आप ऐसे देख लो क्योंकि गाइस वो कह रहे भी अगर आप कैमरे वगैरह लगे हुए हैं अगर आप मोबाइल में रिकॉर्ड करोगे ना तो उससे उनको दिक्कत हो सकती है, वो कहते हैं कि ना हमारी ना वो कर देंगे फाइन लग के आ जाएगा नीचे। तो मैं कहा चलो भाई जैसे तेरे को ठीक लगे, बाकी वो बाइक पे ही लगा हुआ अभी भी मेरी, वो चैन की क्लीनिंग वगैरह कर रहा है, सर्विस बाकी सही कर रहे हैं गाइस, अब तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा गाइस मना कर रहे हैं, कह रहे फाइन खाम का मैं वीडियो बनाऊँ बेचारे का फाइन लग जाए, क्या ज़रूरत है किसी का नुकसान हो जाने की, तो मैं अपना आराम से सर्विस करा लेता हूँ, देखने दे रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है गाइस। तो गाइस सर्विस हो चुकी है बाइक की, अब भाई यहाँ पे ना टायरों में हवा वगैरह चेक कर रहा है और इंडिकेटर वगैरह भी सब चेक होकर आ चुके हैं बाइक के, और ना मैंने बाइक का हैंडल गाइस थोड़ी सी ना नीचे करा दिया, ये आपको बाद में दिखाऊंगा, एक बार सारी चेकिंग होने देते हैं, सारी बताऊंगा बाद में क्या क्या चीज़ें चेंज कराई हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसके अंदर। तो गाइस सर्विस हो चुकी है, अब वॉशिंग के लिए लग चुकी है, पहले इस साइड की हुई हैं वॉशिंग्स अब इस साइड की होगी, बाकी देखो कैसे करते हैं वॉशिंग। तो गाइस अपनी बाइक पे अब कपड़ा लग रहा है, ओ कपड़ा कह रहा हूँ पानी लग रहा है,
कपड़ा तो बाद में लगेगा, फिलहाल अभी अंकल उधर वाली धो रहे हैं और अभी ये वाली धुलेगी, फिर ये वाली धुलेगी, फिर मेरी धुलेगी। अभी फ़िलहाल इसको गीली करके रखा जा रहा है। तो गाइस अब मेरी वाली पे वो साबुन लग रहा है जो भी इनका लिक्विड इन्होंने बना रखा होता है। साफ सफाई हो रही है, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं मेरे ख्याल से, बाकी ठीक ही कर देंगे साफ। ये वाली तो होगी सारी, अब वो भी कर देंगे, करने देते हैं, इतने में बिलिंग करा लेता हूँ। A few moments later. तो गाइस बिलिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं 1140 रुपये की हुई है। बस अब वॉश होकर मिल जाए। और ये आपने सुनील भाई हैं, इंस्पा कराइए भाई, ठीक है। यही सागर के भी जानकार थे तो सागर तो वापस चला गया, उसको कॉल आ गया था घर से कि भाई वापस आ जा। तो सागर मतलब उसको कोई काम जाना था, उनकी डायरी है ना गाइस, तो उसको कोई सामान लेने जाना था मंडी से। तो मैं कहा चल तू हुआ भाई, वो चला गया, अब मैं चला जाऊँगा घर पर, बाकी अभी बस धुल जाए फिर घर ले चलते हैं बाइक को भी। तो गाइस अभी बाइक वॉश हो चुकी है पूरी, और बाइक में ना गाइस इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ है, और इसका गेयर गूर देखना था, चैन पे ना इसकी ल्यूबिंग होती है, चैन ल्यूब होता है, एक चैन ल्यूबिंग हुई है, और बस। और हैंडल गाइस इसका नीचे करा दिया मैंने हल्का सा ही, ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा आपको, हल्का सा ही कराया वैसे ही। बाकी इधर हम व्लॉग बना रहे हैं, बस हो गया, अब बाहर निकालते हैं और चलते हैं घर पर। और गाइस मुझे ना पूरे 1 बजे का टाइम दिया था कि आपको 1 बजे बाइक दे देंगे, मुझे 12:57 पे ही ना बाइक मेरे हैंड ओवर हो गई थी कि आप ले जाओ भाई, और तो मैं बस अब थोड़ा सा चेकिंग कर रहा था कि कोई चीज़ रहा तो नहीं गई, अब सीधी घर ले जाके मिलता हूँ आपसे। तो गाइस एक पोपट हो चुका है, पोपट क्या गाइस, मैं घर पे आया और मम्मा ने याद दिलाया कि तू हेलमेट लेके गया था, हेलमेट क्यों नहीं लेके आया, तो मुझे भी याद नहीं रहा एकदम, मैं जल्दी जल्दी में बाइक लेके आ गया। अब अर्पिता मेरे साथ चल रही है हेलमेट लेने, तो आ जा भाई चले लेके आते हैं हेलमेट। तो गाइस हेलमेट मिल चुका, वो भैया कह रहे थे कि हमने तो रख रखा था, मैंने उनको पहले पकड़ा रहा था, वो कहते इसलिए मैं कह रहा था कि हम मना कर रहे थे आपको कि मत लो हमें, कि बंदे भूल जाते हैं फिर उनको वापस आना पड़ता है। मैं कहा चलो कोई नहीं आगे से याद रखेंगे, बट फिलहाल अभी घर के पास वाली गली में ही है, तभी मैंने हेलमेट उतार दिया है और अर्पिता के पास ही पड़ा पीछे हेलमेट, और अर्पिता ही वीडियो बना रही है गाइस। तो गाइस हम घर पर आ चुके हैं, मेरी तरह अर्पिता देखो रास्ते में से ही ना मेरे से वो ले ली थी, कहते हैं कहती भाई मेरे को ना कुछ नमकीन खाना है, मैं कहा चल तू ले ले, इसने ना गाइस रास्ते में वो पंजाबी तड़का नहीं आता वो ले लिया, और ये देखो उसके अंदर आते ही प्याज चॉप करके टमाटर और नींबू वगैरह भी डाला है, सब चीज़ें डाल के इसने बना दिया है। तो अब कह रही अर्पिता भाई टेस्ट करके बता, तो गाइस मैं टेस्ट करके बताता हूँ। गाइस एक नंबर का बढ़िया, इन्हें वो कान था वैसे ही खा लिया, अभी एक आधा चम्मच और खाता हूँ। तो गाइस अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, और जस्ट मैं अभी उठाऊँ, अभी उठने का रीज़न गाइस क्योंकि दोपहर को सो गया था और मुझे कुछ नहीं पता पापा कितने बजे आए वहाँ से, पापा भी अभी जस्ट मैं उठा ना तो पापा ना बुलेट को राउंड काटने जा रहे थे, मैं पूछा पापा जी कहाँ पे, तो कहते कि ना एक बार चेक कराऊँ कि मतलब अब सर्विस के बाद भी क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है, तो पापा एक राउंड काटने गए हैं और अभी बाहर ही उठ के आ गया हूँ, तो अभी देखता हूँ पापा जी कब आते हैं। तो गाइस पापा घूम के आ चुके हैं, 15 मिनट बाद आए हैं पूरे, भारी लगा दो भारी लगा दो। तो गाइस पापा तो चले गए अभी उस वाले घर में, और मैं अभी बाहर से एक राउंड काट के आ गया था, हालांकि मैं लेके आया था बाइक को, बट मेरा दोबारा राउंड काटने के लिए मैं काट आया, और ये देखो ओए काकू बोल हेलो गाइस, उधर देख बोल हेलो गाइस, हेलो गाइस, डर गया ये भी, नहीं हंस रहा है गाइस। अर्पिता के बाल कूट ले, इसको अप कर दे, इसको अप कर दे, अप ए हप ए हप ए हप, एक चीज दिखाओ, ये देखिए नहीं तो। तो गाइस अभी 7:30 बज चुकी है, और ना अभी गाइस मतलब एक तरह से मौसम में चेंजेस आ रहे हैं ना, तो मुझे 2-3 दिन से ना थोड़ी सी वीकनेस सी लग रही है, मैंने जस्ट अभी अपना ना
टेम्परेचर चेक किया तो इसमें 98 आया गाइस, मतलब 97.9, तो 98 ही हो गया एक तरीके से। थोड़ी सी वीकनेस है गाइस, तो बस अब और कुछ रिकॉर्ड करने नहीं वाला गाइस। तो मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, कमेंट करते जाओ, और जो भी मेरा भाई चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करते जाना, इंस्टाग्राम पर आके फॉलो करते जाना, इट्स अर्पित ऑफिशियल। तब तक के लिए बाय बाय।